नमस्कार वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। जिस समय देश की राजधानी नए साल के जश्न में डूबी थी, उस वक्त दिल्ली के कंझावला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। 31 दिसंबर को देश की राजधानी नए साल के जश्न में डूबी थी। उसी दौरान दिल्ली की सड़कों पर एक बेटी के साथ बेरहमी की गई। शराब के नशे में चूर 5 युवकों ने अपनी कार से स्कूटी सवार 20 साल की रेखा को टक्कर मार दी, जिसके बाद रेखा गिरकर युवकों की गाड़ी के पहिए में फंस गई। वहीं 5 आरोपी युवती को 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे। युवती कार में फंस कर घसीटती रही। युवती की हालत ये हो गई कि उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह से कुचल गए। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर थे। ये देश की सबसे बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना बताई जा रही है। वहीं इस पर आरोपी युवकों का कहना है कि वे शराब के नशे में चूर थे, कार में तेज गाने चल रहे थे, इस कारण उन्हें कार में युवती के फंसे होने की जानकारी नहीं थी। युवती रेखा के परिजनों का कहना है कि जब रेखा घर से निकली तो उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब वह कार के पहिए में मिली तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लड़की के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पीपल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।